सोनीपत में शराब के गोदाम पर एक बड़े शराब कारोबारी की तलाश में आईटीआई चौक के पास गुजरात पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पुलिस को जिस शराब कारोबारी की तलाश थी उसी के ऊपर सोनीपत से गुजरात में तकरीबन 60 लाख की अवैध शराब की तस्करी करने का आरोप भी है और इसी के चलते गुजरात से एक स्पेशल टीम सोनीपत पहुंची। हालांकि मौके पर शराब कारोबारी गोदाम में मौजूद नहीं था जिसके चलते वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका, लेकिन पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस टीम ने खरगोदा थाना क्षेत्र में उसके गांव में भी छापेमारी की है लेकिन वो वहां भी मौजूद नहीं था। आरोप है कि यहां से 60 लाख रुपए की अवैध शराब की तस्करी की गई और गौरतलब है कि सोनीपत समेत कुंडली बॉर्डर पर भी आरोपी के बड़े गोदाम हैं जहां से महंगे ब्रांड की शराब दिल्ली समेत अन्य कई राज्यों में अवैध रूप से सप्लाई की जाती है। जूनागढ़ से पुलिस आई है, कोई अगर आरोपी वांटेड है उसकी तलाश के लिए आए थे हम, गुजरात पुलिस के हेल्प के लिए आए हैं, तलाश के आरोपी नहीं मिला। एक्साइज की केस दर्ज है वहाँ, उस बारे में आए हैं, कितनी जानकारी दी है।